Hello children, how are you? I hope that you will be fine. I have sent you two worksheet of chapter 3. We are doing chapter 3. याद है ना आपको हम लोग कौन सा chapter कर रहे हैं? Chapter 3. Now this is the third worksheet that I am going to give you. इसमें क्या है? आपके question answer हैं. तो first हम आपको ये question answers अच्छे से समझा देंगे. फिर then you will learn it. And you will note down these question answer in your notebook. Clear? देखो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू गुड हैबिट्स. तो हियर यू विल राइट एनी टू गुड हैबिट्स. देखो आंसर इज द टू गुड हैबिट्स आर ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस डेली. फर्स्ट पहली क्या है गुड हैबिट? इसमें वैसे आप कोई से भी गुड हैबिट्स लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने लिखी है वो फर्स्ट इज कि हमें डेली अपने टीथ को कितने बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस ए डेली, दो बार दिन में, है ना. सेकेंड इज वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप और सैनिटाइजर और हैंड वॉश. ठीक है, हमें अपने हाथों को हमेशा अच्छे से साफ करना चाहिए सोप से, सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से. क्लियर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी नीड टू कीप हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी. हम कैसे हेल्दी रहेंगे? अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो हम आप हेल्दी रह सकते हैं? नेवर. तो फर्स्ट क्या है हमारी फर्स्ट ड्यूटी? वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी, कि हमें अपनी बॉडी की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, जिससे कि हम जो है वो हेल्दी रह सके. जब अपने बॉडी की अच्छे से केयर करेंगे तभी तो आप हेल्दी रहेंगे. अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो यू नेवर बी फिट. आप कभी भी फिट नहीं होंगे अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स शुड बी ब्रश आवर टीथ इन अ डे. बताइए कितनी बार वी शुड ब्रश आवर टीथ इन अ डे. सबको पता है ना वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, है ना, आफ्टर डिनर. हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए अपने टीथ पर? फर्स्ट इन द मॉर्निंग, है ना, व्हेन वी गॉट अप इन द मॉर्निंग फर्स्ट वी शुड ब्रश आवर टीथ, एंड द सेकेंड टाइम वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर डिनर. जब आप डिनर अपना कर लें रात को तब आपको ब्रश करना चाहिए. क्यों? जो भी आपके दांतों में जो भी आपका आपने खाया है वो अगर कहीं पर लगा रह जाता है तो कैसा होगा? ब्रश करने से आपका माउथ कैसा हो जाएगा? नीट एंड क्लीन. और अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वही खाना आपके टीथ के बीच में फंसा रहेगा और उससे क्या होगा? बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. दैट्स वाई वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट आफ्टर डिनर. क्लियर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज Why should we exercise? बताइए हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? आजकल आप देख रहे हैं ना कोरोना के में, आप टीवी देखते होंगे तो आपको रामदेव स्वामी भी देखते हैं बराबर एक्सरसाइज की, सबको कहते हैं कि सब लोग एक्सरसाइज करें. क्यों? जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहती है. हमारी बॉडी कैसी रहती है? फिट रहती है, कि हम किसी भी डिजीज से जो है लड़ने की हमें ताकत आ जाती है. इसलिए हमें हमेशा एक्सरसाइज डेली करना चाहिए. वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड फिट. हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? जिससे कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों चीजें कैसी रहे? फिट रहे. हमारी बॉडी हमेशा हर डिजीज से लड़ने से के काबिल रहे. क्लियर. नाउ दिस क्वेश्चन इज दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. हाँ, लिसन वन थिंग मोर. टुमारो आई विल सेंड यू वन वर्कशीट. उसमें क्या होगा? उसमें जो अभी तक हमने आपको 3 चैप्टर्स करवाए ना, चैप्टर 1, 2 एंड 3, उन तीनों का मिलाकर के हम आपको देंगे एक, जो आपको वर्कशीट भेजेंगे उसमें एक क्वेश्चन पेपर टाइप होगा, वो उसको आपको सॉल्व करना होगा. अभी हम चैप्टर नंबर 4 नहीं करवा रहे हैं, ठीक है. पहले हम लोग पुराने वाले तीनों चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, देन आई विल स्टार्ट चैप्टर 4. क्लियर. तो आपको ये वर्कशीट करने के बाद में यू विल रिवाइज ऑल द 3 चैप्टर्स फॉर द नेक्स्ट वर्कशीट. क्लियर. बाय. थैंक यू.